Assalamualaikum and hello everyone. क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? Welcome back to हम दो हमारी चार vlogs. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे. तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बस कुछ ही हफ्तों में रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, तो हर साल की तरह इस साल भी ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से ना रमज़ान से पहले अपने घर को, अपने किचन को क्लीन करती हूँ, ऑर्गेनाइज करती हूँ, ताकि हमारा रमज़ान एकदम स्मूथली गुजरे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहली चीज़ जो है ना, वो है हैव अ प्लान. अगर हमारे माइंड में कोई प्लान होगा ना, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, ये काम हमें आज करना है, इसकी डेडलाइन ये है. तो फिर है ना, सारे काम घर के करने में चिड़चिड़ाहट नहीं होगी. तो प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड पॉइंट है कंप्लीट योर रोज़ा. और ज़्यादातर सब लोग ने तो अभी तक रोज़ा अपने कंप्लीट ही कर दिए होंगे, क्योंकि ईद बाद फ़ौरन लोग रख लेते हैं, क्योंकि बॉडी को आदत होती है रोज़ा रखने की. लेकिन अगर फिर भी किसी का छूट गया ना, तो अभी भी टाइम है, वो आप अपना रोज़ा कंप्लीट कर सकते हैं. तो ये देखिए, ये है मेरा कंप्लीट प्लानर. तो रमज़ान से पहले मैं किस तरह से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कंप्लीट करूँगी, वो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. तो आप भी अपनी ना एक लिस्ट ज़रूर बना लीजिएगा. थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनाइज, डीक्लटर एंड डीप क्लीन योर हाउस. यहाँ पे है ना, आप ये सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे कि एक महीने में जो है ना, आप कौन सी क्लीनिंग करते हैं. जो भी क्लीनिंग आप एक महीने में करते हैं ना, उस काम को आपको रमज़ान स्टार्ट होने से पहले करना है. उसके लिए खाना पड़ता है, ताकत चाहिए उसके लिए. ये जो कुशन कवर्स है ना, इनको मैं एक महीने में एक बार धोती हूँ. तो मैंने सोचा कि रमज़ान स्टार्ट होने से पहले जो है ना, मैं इसको वॉश कर लूँगी, ताकि पूरे रमज़ान ना ये सारा चक्कर ना रहे कि ये धोना है, वो धोना है. तो इसी तरह है ना, सबके घर में अलग अलग काम होते हैं. किसी को जो है कर्टन्स वगैरह वॉश करना होता है, तो किसी को जो है जाला साफ़ करना होता है. तो आपके घर में जो भी आपका सिस्टम है क्लीनिंग वगैरह का ना, उस हिसाब से आप सफाई कर लें. और यहाँ पे देखिए, ये जो सोफ़ा है ना, जब मैंने इसको ओपन करी, तो बीच में आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा डस्ट है. असल में क्या है कि नीचे रूम नहीं है, सारे बच्चे ना नीचे ही बैठे रहते हैं, तो इसी सोफे पे बैठेंगे तो खाते पीते भी यहीं बैठ के हैं, तो इतना ज़्यादा कचरा इसमें जमा हो जाता है. और वेलवेट का जो सोफ़ा होता है ना, मतलब जो वेलवेट के कवर्स होते हैं, उसका माइनस पॉइंट यही होता है कि वो डस्ट बहुत ज़्यादा खींचता है. तो बस ना, एक महीने में एक बार मैं इसको वैक्यूम से एकदम अच्छी तरह से डीप क्लीन कर देती हूँ. और अगर कहीं दाग धब्बे हुए, तो फिर थोड़ा बहुत मैं उसको पोंछ भी देती हूँ साबुन वाबुन लगा के. तो यहाँ पे ना, मेरी सोफ़े की पूरी डीप क्लीनिंग हो गई है. और ये देखिए, मैं आपको कचरा दिखाऊंगी ना, तो आप एकदम शॉक हो जाएंगे. ये सिर्फ और सिर्फ जो है सोफ़े में से निकला है. और इसी तरह ना, महीने में एक बार मैं डस्टबिन वॉश करती हूँ पूरे घर की. तो कुल मिला के यहाँ पे ना 6 डस्टबिन हैं. तो सारी डस्टबिन जो है ना, मैं आज वॉश कर लूँगी, क्योंकि है ना, रमज़ान में मुझसे बिल्कुल भी डस्टबिन नहीं धुली जाएगी. कोई मुझसे पकौड़ियाँ बनवा सकता है रमज़ान में, लेकिन डस्टबिन तो बिल्कुल नहीं धुला सकता. तो इसलिए मैंने अभी धो दी डस्टबिन. चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है डेकोरेट योर होम. तो घर की सफाई वगैरह करने के बाद जो है ना, अब घर को सजाना भी तो बनता है ना. तो ज़रूरी नहीं है कि घर को डेकोरेट करने के लिए ना, हम महंगे महंगे लैंटर्न्स, लाइट्स वगैरह लेके आएं. जो आपके घर में रखा है, आप उसी से ना एक बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा शोपीस तैयार कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए, हमारे स्टोर रूम में ये कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था, कभी इसमें कोई चीज़ आई होगी, तो उसी को यूज़ करके फलक ने स्टार और मून इन शेप्स को जो है वो कट कर ली है. और ये बेड के नीचे जो आप स्टोरेज देख रहे हैं ना, इसके अंदर फलक अपना सारा क्राफ्ट का सामान रखी रहती है, जो भी वो यूज़ करती है ना प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने में स्कूल के लिए, वो सारा. कौन सा वाला ग्लिटर लगाओगी? रोज गोल्ड. इन स्टार्स पे ना फलक ने ग्लू लगा के दिए है मुझे, तो मैं इस पे ग्लिटर डाल रही हूँ, ताकि वो जल्दी से चिपक जाए. Don't tell me, फलक. सो फाइनली ये देखिए, मून एकदम कंप्लीट हो गया है. रोज गोल्ड, गोल्ड और सिल्वर फ्लेक्स तीनों ही फलक ने लगा दिया इस पे. और ये देखिए, स्टार पे भी ना ग्लिटर एकदम अच्छी तरह से चिपक गया है. फलक के रूम में ये शोपीस लगा हुआ था, तो रमज़ान के लिए हम लोग ने इसको उतार लिए हैं. और इसके ऊपर मैं डबल साइडेड टेप से ना स्टार मून चिपका दूंगी. और साथ में ना, मेरे पास फेरी लाइट्स पड़ी हुई थी, तो वो भी मैंने लगा दी हूँ.
और अब आप देखेंगे इसका फाइनल लुक कि घर में पड़े हुए सामान से कैसे हम लोग ने शोपीस बनाए। आर यू रेडी आरिस? हाउ इज योर पर्पल? हां बोलो रमजान करीम। अच्छा लग रहा आरिस? हम दर्श कर सकते हैं? ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा होममेड रमजान डेकोरेटिव पीस, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अब चलते हैं अपने 6 पॉइंट की तरफ जो है ऑर्गेनाइज योर किचन। ये देखिए जहां हम कुकिंग करते हैं उसके ऊपर वाला जो कैबिनेट्स है ना उसमें तेल के इतने ज्यादा छींटे पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने फलक को चढ़ा दी हूँ। जो फ्लोरा वो स्प्रे कर रही है इसके ऊपर, और स्प्रे करके है ना कुछ देर जो है वो छोड़ देगी। ऐसा करने से है ना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्लीनिंग करने के टाइम रगड़ना नहीं पड़ता है। और मैं जब तक यहाँ पे फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर लूंगी, रमजान स्टार्ट होने से पहले जो है ना एक बार मैं जरूर फ्रिज साफ कर लेती हूँ, क्योंकि ना कितनी भी बड़ी फ्रिज हो लेकिन रमजान में ना ऐसा लगता है कि बस छोटी पड़ रही है सारी फ्रिज। इतना सारा खाने पीने का आइटम बना के जो रखते हैं मेक एंड फ्रीज वाला, और बाकी भी लेफ्ट आउट फूड जो होते हैं, तो जब ज्यादा सामान होता है ना फ्रिज में तो उसको साफ करना डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए अभी मैं उसको फटाफट से क्लीन कर लूंगी। और यहाँ पे देखिए फलक ने भी जो है वो कैबिनेट्स पोछना स्टार्ट कर दी है। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि जब भी हम क्लीनिंग करते हैं या कोई भी रमज़ान आने से पहले काम करते हैं ना, तो बच्चों को भी ना इन्वॉल्व करिए उसमें। ऐसा करने से है ना बच्चों को अलग से बैठा के सिखाना नहीं पड़ता है कि ऐसे करो क्लीनिंग। बच्चे देखते देखते ना खुद ही सीख जाते हैं कि हाँ अम्मी रमज़ान से पहले ऐसे ऐसे क्लीनिंग करती थी तो हमें भी करना है। और यहाँ देखिए फलक ने तो माशाल्लाह से कैबिनेट एकदम चमका ही दिए। देखिए कितना तेल का दाग धब्बा वगैरह था सब एकदम निकल गया है। जो कुशन कवर्स मैंने वॉश करी थी ना मशीन में तो वो हो गया है, तो फटाफट से मैं उसको यहाँ डाल दूंगी ताकि शाम तक जो है वो सूख जाए। नेक्स्ट पॉइंट है मेक अ ग्रॉसरी लिस्ट एंड स्टॉक योर पैंट्री। रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ना एकदम सुकून से ठंडे दिमाग से जो है एक लंबी सी ग्रॉसरी लिस्ट बनाइए। सबसे पहले तो आप डिसाइड करिए कि आप मेक एंड फ्रीज आइटम क्या क्या बनाने वाले हैं, उस हिसाब से है ना वो सारे जो चीज़ें आपको चाहिए ना वो भी आप ग्रॉसरी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मेन्यू डिसाइड करिए अपना कि क्या बनेगा। उसके बाद आप अपना पूरा पैंट्री चेक करिए कि आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और क्या क्या ख़त्म हो रही हैं। ये जो मेरे किचन में सबसे ऊपर वाला कैबिनेट है इसमें मैं रखी रहती हूँ एक बास्केट जिसके अंदर रहते हैं सारे ही ओपन पैकेट जिनको मैं क्लिप लगा लगा के रखी रहती हूँ। तो यहाँ पे है ना मैं सब चेक कर रही थी कि क्या है और क्या नहीं है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो हम महीने में एक बार लेके आते हैं, जैसे कि तेल, शक्कर, चावल, आटा, दाल और दूध और बेसन, चना। तो इन सब चीज़ों को है ना हम रमज़ान स्टार्ट होने के पहले ही ले आएंगे, रिफ़िल कर देंगे ताकि ये सारी चीज़ें हमें रमज़ान में ना लानी पड़े, क्योंकि ये भारी भी होती हैं और फिर है ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है ये ग्रॉसरी वगैरह करने में, और फिर रोज़ा रख के ग्रॉसरी करने का मन भी तो नहीं करता है। और इफ्तार बाद अगर हम सोचेंगे कि जाएंगे तो फिर तरावी पढ़नी होती है और तरावी के बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं बचती है। तो इस तरह से है ना रमज़ान में हमारी टाइम और एनर्जी भी बच जाएगी अगर हम पहले ही महीने वाला सामान ले आएंगे तो। और रही बात वीकली शॉपिंग की, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो वो तो लाना ही पड़ेगा लेकिन उसमें फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज गेट योर कलेक्शन ऑफ दुआ रेडी। घर की सफाई तो हम लोगों ने कर लिया, किचन को ऑर्गेनाइज भी कर लिया, डेकोरेट भी कर लिया, लेकिन रमज़ान का जो मेन मकसद है वो है इबादत, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, वो हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। तो यहाँ पे देखिए नमाज और रोज़ा के साथ साथ है ना कुछ हम दुआओं का कलेक्शन जो है वो रेडी रख सकते हैं अपने साथ कि हम उसको सॉर्ट आउट कर लें। सुबह में हम ये वाली दुआएं पढ़ेंगे, शाम में ये पढ़ेंगे, असर के वक्त ये पढ़ेंगे, मगरिब के वक्त ये पढ़ेंगे, तो इस तरह से हमारी सारी दुआएँ कवर भी हो जाएंगी। तो मैंने ना कुछ इंग्लिश और कुछ उर्दू में रखी हूँ बच्चों के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू रिकॉर्डिंग? आज जल्दी कैसे आ गए? आज लैब है इसलिए। और रमजान का टाइमिंग कुछ पता चला यूनिवर्सिटी का? सेम टाइम है। हाँ जल्दी नहीं छूटेगा? नहीं। अच्छा
नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लीट योर ईद शॉपिंग बिफोर रमजान. हर साल की तरह ईद की शॉपिंग जो है ना वो मैं रमजान स्टार्ट होने से पहले ही कर लेती हूँ. तो अभी जब मैं जल्दी इंडिया गई थी ना अपने ससुराल, तो वहाँ पे मैंने अपनी बहन से ये बेडशीट्स वगैरह मंगवाई थी सारे रूम के लिए, कोरियर से आ गई थी मेरे ससुराल. तो वही मैं लेके आई हूँ यहाँ पे और इनको मैंने वॉश करके आयरन करके रख दी हूँ. अब ईद के पहले ये सारा काम नहीं करना पड़ेगा. और भी बहुत सारी बेडशीट्स हैं, मैं आपको ईद के टाइम पे दिखाऊंगी जब बिछाऊंगी. तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं कपड़ा या बेडशीट लेने में ना, तो आप मेरी बहन को कांटेक्ट कर सकते हैं. स्क्रीन पे है उनका व्हाट्सएप नंबर. ये जो क्लिप है ये कुछ दिन पहले की है. हम जा रहे थे ईद के कपड़े लेने के लिए और हर साल की तरह ईद के कपड़े जो हैं वो रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ही हम ले लेते हैं, क्योंकि माशाल्लाह हम 6 लोग हैं और इतने सारे लोगों का कपड़ा सिलेक्ट करने में जो है ना वो काफ़ी टाइम लगता है. तो रोज़ा रख के जो है ना ये टाइम बहुत वेस्ट होता है सब कपड़े वगैरह लेने में. थोड़ी बहुत अगर जूता चप्पल की शॉपिंग रह जाए तब कोई बात नहीं, वो तो हम लोग ले ही सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा पूरा कपड़ा लेना, सिलने देना ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना हम पहले ही कर लेंगे ना तो बहुत आसानी हो जाती है. और यहाँ पे देखिए अफ़ान लोगों के इतने नखरे रहते हैं, ये जो जैकेट पहना है ना उसको इतना चुभ रहा था कि उसके हाथ ही नहीं नीचे हो रहे थे, हाथ अपना दोनों फैला के खड़ा है. और हस्बैंड को लेना रहता है अफ़ान और आरिस दोनों का सेम सेम. ये वाली और लाइट कलर में कौन सी है? लाइट कलर में. सो फाइनली अफ़ान और आरिस दोनों लोग का कपड़ा जो है वो डन हो गया है. ज़ईम अपने खुद से पसंद से लेगा और अब यहाँ पे फलक का कपड़ा सिलेक्ट किया जा रहा है. इसकी आस्तीन बहुत अच्छी है. इसकी आस्तीन देखिए बेल बॉटम स्टाइल में, ये बहुत खूबसूरत. और दुपट्टा इसका ट्राउजर है स्ट्रेट पर्पल. यस कंट्रास्ट है ना मैम, फुल कंट्रास्ट में. ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है और आस्तीन बड़े प्यारे बने हैं. दामन पे टसल्स हैं. जैकेट, ये जैकेट स्टाइल इसका जैकेट, इसके आस्तीन, ये से दुपट्टा. I'm not it. फलक ये कैसा लग रहा है? नाइस. स्लीव्स दिखाओ. ये दुपट्टा इज वेरी बिग. सो फाइनली फलक का भी जो है ना ईद का कपड़ा हो गया. इतनी मुझे परेशानी होती है फलक का कपड़ा लेने में, उसको कोई साइज़ ही नहीं होती है. लेंथ उसको पूरी चाहिए होती है और चौड़ाई में उसको बिल्कुल कोई रेडीमेड कपड़े आते नहीं हैं. और सिलाना मुझे बहुत झंझट लगता है. पहले मैचिंग लो, लेस लो, अस्तर लो, फिर सिलाने दो, फिर लेने जाओ, तो इतना टाइम नहीं रहता है. तो आ जाते हैं अपने बैक टू रमज़ान रूटीन पे. और ईद की शॉपिंग वगैरह के कपड़े जो है ना वो मैं आपको ईद के टाइम दिखाऊंगी कि हमने क्या लिया. अच्छा यहाँ देखिए जो कवर्स वगैरह वॉश किए थे मैंने सोफ़े के, वो सूख चुके थे. तो ज़ईम से मैंने बोली कि तुम फटाफट से ना सारा कवर चढ़ा दो और सोफ़े को सिटिंग पोजिशन में कर दो. अब चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ जो है मील प्लानिंग. रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ना कुछ मेक एंड फ्रीज आइटम तो हम सब बना के रखते हैं. तो मैं आप लोगों के साथ है ना नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी जो भी मैं मील प्लान करने वाली हूं. और अभी जो है ना मैं आप लोगों के साथ इंस्टेंट इडली की रेसिपी शेयर कर रही हूं जो कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी लास्ट वीडियो में. तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप राइस फ्लोर ली हूँ, मतलब चावल का आटा, और 1/2 कप जो है वो मैं सूजी ले रही हूँ. ये मेरे पास भुनी हुई सूजी रखी थी तो वो मैंने डाल दी हूँ 1/2 कप. और 1 टीस्पून जो है ना वो मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट. अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार बीटर से अच्छे से मिक्स कर लीजिए. उसके बाद इसमें मैं 1 कप फुल फैट दही डाल रही हूँ और 1.5 कप जो है ना वो पानी डालना है, लेकिन एक साथ नहीं डालना है. पहले आप 1/2 कप डालिएगा, फिर थोड़ा सा उसको मिक्स करिएगा, फिर 1/2 कप डालिएगा, फिर थोड़ा सा मिक्स करिएगा.
क्योंकि चावल के आटे की क्वालिटी अलग अलग होती है ना, तो इसलिए पानी सबको अलग अलग लगेगा। तो देखिए कुछ इस तरह से गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी रहेगी। अब इसको है ना ढक्कन लगा के हम कोई गर्म जगह पे रख देंगे, मतलब कुछ फर्मेंट वगैरह नहीं करना है। यहाँ बाहर एसी चल रहा है ना, इसलिए मैं इसको माइक्रोवेव में रख रही हूँ, ऑन नहीं करना है, बस ऐसे ही मैं रख रही हूँ ताकि अंदर गर्म रहे। और यहाँ पे देखिए जईम आ गया है किचन में। जब वो यूनिवर्सिटी में रहता है ना तो बिजी रहता है, और जब घर में आता है उसको इतना बोर होता है तो हरदम आके सर पे खड़ा रहता है कि अम्मा क्या करना है, कुछ करना है। अगर उसको कुछ काम नहीं देंगे तो फिर जो है ना वो अपना मोबाइल में बिजी हो जाता है, तो इसलिए मैं उसको अपने साथ लगाई रहती हूँ। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम जो भी मुझे समझ में आता है वो मैं उसको दे देती हूँ। तो यहाँ पे है ना देखिए 15 मिनट हो गया था इसको रखे हुए इडली के बैटर को, और अब इसके अंदर जो है हम इनो का सैशे डालेंगे, लेकिन पूरा एक इनो नहीं डालना है, 1/4 टीस्पून डालना है, बस इतना ही। ये इनो जो है ना इडली को फ्लफी बनाने में वर्क करेगा, और जैसे ही आप इसको डाल के मिक्स करेंगे ना आप देखेंगे छोटा छोटा सा जो है वो बबल्स फॉर्म होने लगा है, और ये जो मिक्सचर है ना ये एकदम फ्रोती बन जाएगा, कंसिस्टेंसी एकदम इडली वाली हो जाएगी। इडली का जो बैटर है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, डोसे का पतला होता है। तो ये देखिए इंस्टेंट इडली ना एकदम रेडी है, कोई ताम झाम नहीं है दाल पीसने का, फिर उसके बाद उसको ओवरनाइट रखने का, फर्मेंट करने का, ये सब झंझट नहीं है, इंस्टेंटली बन जाती है। मील प्लानिंग के लिए ना कुछ इस तरह की पफ पेस्ट्री शीट्स और समोसे की पट्टियाँ आप ला के रख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या मैं इससे सब बनाने वाली हूँ रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए। इस वीडियो में मैं इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो सिर्फ मील प्लानिंग का ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए हमारी चटनी जो है वो रेडी हो गई है, धनिया की पत्ती, हरी मिर्ची, लहसुन, नमक और नारियल डाल के। ये वाली इडली का कॉम्बिनेशन जो है नारियल की चटनी के साथ अच्छा लगता है। और ना पिछले व्लॉग में कोई पूछ रहा था कि मुझे बताइएगा कि इडली जब मैं बनाती हूँ ना हमेशा चिपक जाती है, ऐसा क्यों? तो देखिए मैं तो यही करती हूँ कि अच्छे से ग्रीस कर देती हूँ इडली वाले पैन को, और है ना 10 मिनट जो है निकालने के बाद आप छोड़ दीजिए। फौरन अगर आप निकालेंगे ना तो चिपक जाती है इडली उसके अंदर, फिर एकदम चिकनी सी एकदम स्मूथ नहीं निकलती है। 10 मिनट के बाद अगर आप छोड़ के निकालेंगे तो फिर है ना एकदम अच्छी सी गोल गोल सी, ये देखिए चिकनी चिकनी सी निकलेगी। तुमने बनाया है क्या जईम? नहीं। Why is it so perfect? Yes. चलो पहले आलू को लो। कितनी? टू। हम पहले उधर बैठते हैं। How much me? लो। मोटे। और बाकी डाल दिया स्टीम करने के लिए? हाँ। तक चटनी तीखी है? संभल के। तीखी लगी आरिस? नहीं लगी। और ये देखिए क्या एकदम सॉफ्ट सी इडली बनी है, और बहुत ही अच्छी लगती है। बस इसको ना बहुत ज़्यादा आप देर रखेंगे ना तो थोड़ी सी कड़क हो जाती है। फौरन इसको स्टीम करिए और फौरन खाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों को इडली बहुत पसंद आई। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, फ़ौरन बनाइएगा, फ़ौरन खाइएगा, और मुझे फ़ौरन बताइएगा कि इडली कैसी बनी थी। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। इंशाल्लाह जल्दी मिलूँगी आप लोगों को मील प्रेप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।